मैं जा रही हूँ अपने टेरेस गार्डन पर और मैं करूँगी पालक और सरसों की हार्वेस्टिंग। तो मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग, पालक का साग और साथ में बनाने वाली हूँ मकई की रोटी विद लस्सी। तो ये मेरा पालक है जो मैं हार्वेस्ट करने लग रही हूँ और मैंने अपना सारा पालक हार्वेस्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं निकालूँगी सरसों जो मैंने लगा रखी है और ये सरसों देसी वाली है। तो ये मैंने सरसों ले ली और कितनी एकदम ना फ्रेश फ्रेश सरसों दिख रही है, तो बहुत मज़ा आता है हार्वेस्ट करने में। तो यहाँ से मैंने अपने सरसों लिए अपने ही स्पॉट में से। तो अब मैं जाऊँगी नीचे और नीचे जाके सबसे पहले क्या करूँगी, मैं साबुत पालक और सरसों को धो लूँगी अच्छे से, 3 से 4 बार पानी में अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको रफली मैं इसको चॉप करूँगी, चॉप कर कर मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। उसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें सब ये सब चीज़ें मैं साथ में बॉईल कर देती हूँ ताकि पीसने मुझे आसानी रहे। थोड़ा सा डाल दूँगी इसके ऊपर नमक, एक सीटी लगवाऊँगी, ठंडा करूँगी, मिक्सी में पीसूँगी थोड़ा दरदरा, या आप घोट के भी बना सकते हो। और इस तरह से मैं साग बना लूँगी। साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ पर मकई की रोटी और रोटी हो गई है तैयार और जा रही है किसी एक की थाली में। तो देखते हैं किसकी थाली में जा रही है और वो क्या कर रहा है इंसान, खाना खाते हुए मज़ा ले रहा है सरसों का साग विद मक्की की रोटी एंड लस्सी। तो जी यहाँ पर प्लेट तैयार हो गई।